ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर नहीं है, इनका भी आविर्भाव अर्थात जन्म तथा तिरुभाव अर्थात मृत्यु होती है। प्रमाण के लिए देखिए देवी भागवत महापुराण। ब्रह्मा, मैं, विष्णु और शिव, यह तुम्हारी प्रभाव से जन्मवान है। हम तो जन्मवान है, हमारा तो जन्म होता है और मरते हैं, नित्य नहीं है, हम अविनाशी नहीं है। फिर इंद्रादि दूसरे देवता नित्य किस प्रकार हो सकते हैं? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। कबीर लूट सको तो लूटियो, राम नाम के लूटे पीछे फिर पछताओगे, प्राण जाएंगे छूट। नहीं भरोसा देह का विनस जावे छन माही, श्वास उश्वास में नाम जपो हो और यतन कछु नाही। कबीर श्वास उश्वास में नाम जपो, व्यर्था श्वास मत खो, न जाने इस श्वास को हो आवण हो के न हो। वो पृथ्वीपति चकवे गए जिनके चक्र चलंत, रावण सरीखे कौन गिणे भाई ऐसे गए अनंत। मर्द गर्द में मिल गए वो रावण से रणधीर, कंस के सी चाणूर से वो हरणक से पूबलबीर। तेरी क्या बुनियाद है तू जीव जन्म धर लेत, गरीब दास हरि नाम बिना तेरा खाली रे जा खेत। परमपिता परमात्मा सर्वसृष्टि रचनहार, कुल के मालिक, सभी आत्माओं के एकमात्र स्वामी, खाविंद, ये पूर्ण ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म सत्य पुरुष हैं। वो सत्य पुरुष कौन है, कैसे हैं, कहाँ रहते हैं, उस सत्य पुरुष से लाभ प्राप्त करने का कौन सा तरीका है, कौन सी विधि है, हमने सबसे पहले यही निर्णय लेना है। तो वो परमात्मा, वो पूर्ण ब्रह्म आज से लगभग 600 वर्ष पहले सन 1398 अर्थात संवत विक्रमी संवत 1455 ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी जेठ मास की उत्तरते की पुण्यवासी को भारत की पवित्र भूमि पर, धरती पर, काशी अर्थात बनारस नगरी के लहर तारा नामक एक तालाब पर विकसित कमल के फूल के ऊपर परमात्मा एक शिशु रूप धारण करके प्रकट हुए थे। वो अपने सतलोक से सह शरीर आए थे एक लीला करने के लिए। वो परमात्मा प्रत्येक युग में ऐसे ही आते हैं।
उस परमेश्वर को, बालक शिशु रूपधारी परमात्मा को, परमेश्वर को एक नीरु नीमा नाम के जुलाहा दंपति, धानक जाति से संबंधित निसंतान थे, वो परमात्मा को, शिशु रूपधारी परमात्मा को उठा ले गए और अपने बच्चे के तरह उनकी परवरिश की। यही परमेश्वर बड़े होकर के जुलाहा कबीर, धानक रूप कबीर कहलाए। पुण्यात्माओं, इस बात को सुनकर प्रत्येक प्राणी को धक्का सा लगता है कि कबीर जी के बारे में हमने कभी नहीं सुना कि ये परम शक्ति हैं, ये परमेश्वर हैं, ये श्रेष्ठ रत्नहार हैं। हमने तो इनके विषय में इतना ही सुना था ये अच्छे कवि हैं और जुलाहा जाति में रहने वाले गरीब से आदमी थे, व्यक्ति थे, बहुत पुअर निर्धन। और आज हम उसको भगवान कहें, उनको परमेश्वर कहें, तो सुनने वाला आश्चर्य में पड़ जाता है कि शायद ये वक्ता, कबीर जी को भगवान कहने वाला मेंटल है, कि ये पागल है, कैसी अनहोनी, कैसी अनोखी बात कह रहा है। पुण्यात्मा, हमेशा सत्य कड़वी ही होती है, ये नियम है सत्य का। और इस कड़वी सत्य को जो सुन लेता है उसका बेड़ा पार हो जाता है। जैसे कोई रोगी है, उसको कड़वी दवाई खिलाई जाती है, जैसे मलेरिया हो जाता है, बुखार मलेरिया ज्वर हो गया, उसको वो कड़वी औषधि खानी ही पड़ेगी, तभी वो स्वस्थ हो पाएगा। ठीक इसी प्रकार कबीर इज गॉड, ये सुप्रीम गॉड है, सुप्रीम गॉड यानी सर्वोपरि प्रभु। उत्तम पुरुष है तो अन्य परमेश परमात्मा इति उदाहरते, ये लोक तर्यम आविश्य विभर्ति अवे ईश्वर है, ये वो परमात्मा है जो पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में जिसके विषय में विशेष विवेचन दिया है। और ये वही परमात्मा है जिसके विषय में गीता ज्ञानदाता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1-4 और गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 3, 8, 9, 10, 18 से लेकर 21-22 तक उसी परमेश्वर की महिमा, परम अक्षर ब्रह्म की, उस तीसरे अव्यक्त की महिमा कही गई है। और गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में, श्लोक नंबर 47 में, 46 में, श्लोक नंबर 66 में उसी परमेश्वर की महिमा गाई गई। वैसे तो बहुत से स्थानों पर पवित्र गीता जी में, सैकड़ों स्थानों पर परमात्मा, अन्य भगवान जो गीता ज्ञानदाता से अन्य है और वो सुप्रीम पावर है, वो परम शक्ति है, उसका बहुत जगह पे विवेचन है, वर्णन है। अब ये सिद्ध करना कि परमात्मा कबीर है, ये वो कबीर है जो बनारस में दानक रूप में आया था, जुलाहे रूप में, इसके लिए ढेर सारे प्रमाण आपके समक्ष दिखाए जाएंगे। सदग्रंथ जिसमें परमेश्वर की महिमा कही गई है वो रूबरू कराए जाएंगे। और बुद्धिमान समाज है, शिक्षित समाज है, एजुकेटेड है, अब समझने में देरी नहीं लगेगी। ठीक है, प्रथम बार हम किसी सत्य, किसी चीज वस्तु के बारे में सुनते हैं तो आश्चर्य होता है। काफ़ी समय पहले बताते हैं, एक वैज्ञानिक ने पहले क्या छोरी थी कि पृथ्वी के चारों ओर सूर्य घूमता है, और सभी ने, वैज्ञानिकों ने स्वीकार कर रखा था। एक वैज्ञानिक ने कहा नहीं, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूमती है।
इस बात का इतना, इस सच्चाई का इतना कड़ा विरोध हुआ, भोली जनता ने उन पादरियों के कहने से, उन धार्मिक गुरुओं के कहने से इतना विरोध किया कि ये झूठ बोलता है, उनको फांसी की सजा दिलवा दी। और 400 वर्ष के बाद अब उनसे माफी मांगी उस मृत्यु प्राप्त वैज्ञानिक से कि तू सत्य कहता था और आपके साथ जो बदसुलूकी हुई उसके लिए अक्षमा याचना करते, ईब के टिंडे लेने मांगी हैं, अब वो मर लिया, मार दिया, अब अक्षमा याचना करते हैं। इन दुष्टों ने ऐसे नाश करवाए हैं, जो ज्ञानहीन स्वार्थी लोगों ने ऐसे ही पुण्यात्माओं के साथ विरोध करवाया और उनको मृत्यु के घाट पहुंचवा दिया, जैसे ईसा मसीह के साथ, जी के साथ यही विरोध हुआ था। और जिनकी रोजी रोटी को, जिन उन धार्मिक व्यक्तियों की रोजी रोटी को खतरा हो गया था, उन्होंने ईसा मसीह जी का विरोध किया और उनको भी क्रश करवा दिया। तो कारण क्या रहा कि उस समय जनता जागृत शिक्षित नहीं थी, और आज इस दास के साथ वही रिहर्सल की गई, लेकिन अब जनता जागृत है, शिक्षित है, सदग्रंथ हमारे पास उपलब्ध हैं। इन पाप आत्माओं की दाल इब गले को न्यार ना गली, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि इस कलयुग में जो बिचली पीढ़ी आवेगी उसमें पूरे विश्व में मेरा ही ज्ञान रहेगा। धर्मदास जी, धर्मदास एक महापुरुष हुए हैं, अच्छी माँ श्रेष्ठ आत्मा हुई है, जिनको परमात्मा से आकर मिले थे, उसको बताया था कि सत्युग के बिचली पीढ़ी जब आएगी, अब तो मैं आया हूँ प्रथम चरण में, सन 1398 में 600 वर्ष पहले प्रथम चरण था परमात्मा का, अब ये मध्य वाला चरण है, बिचली पीढ़ी अब शुरू होगी है। सन 1947 में भारत आज़ाद हुआ और उसके बाद शिक्षा का दौर एकदम दावानल की तरह फैल गया, पूरा भारतवर्ष शिक्षित हुआ, बूढ़े भी पढ़ा दिए, बुढ़िया भी पढ़ा दी, अक्सर ज्ञान युक्त हो गए। इसका यही कारण था कि अब हम सदग्रंथों को पहचानेंगे, आँखों देखेंगे और परमात्मा को परमात्मा मानेंगे। जब तक हमें ये दृढ़ विश्वास नहीं होगा कि जो जिसको हम भगवान मान रहे हैं, जिसकी हम साधना कर रहे हैं, ये सत्य है, तब तक हम भक्ति क्षेत्र में सफल नहीं हो सकते। गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 53 में कहा कि अर्जुन, जब भिन्न भिन्न प्रकार के भ्रमित करने वाले ज्ञानों से, वचनों से तेरी बुद्धि हटकर एक परमात्मा के ऊपर आश्रित हो जाएगी, एक परमेश्वर के ज्ञान, तत्व ज्ञान के ऊपर जब सेट हो जाएगी, स्थिर हो जाएगी, तब तू योग को प्राप्त होगा, योग माने भक्ति, तब तू भक्ति को प्राप्त होगा, अर्थात तू भक्त बनेगा, योगी बनेगा। तो पुण्यात्मा, सबसे पहले हमने ये भिन्न भिन्न प्रकार के वचनों में, भिन्न भिन्न प्रकार के ज्ञान जो अन्य संतों और ग्रंथों, मनगढ़ंत ग्रंथों ने, अपने अपने अनुभव के ग्रंथों में जो ग्रंथ ज्ञान गलत कर दिया है, उससे हट करके हम एक शास्त्र अनुकूल साधना और शास्त्रों के ज्ञान के ऊपर आधारित हो जाएंगे, तब हम भक्त बनेंगे, तब हम सच्चे पथिक बनेंगे। अब भक्ति मार्ग क्यों कहा जाता है? भक्ति का रास्ता, रास्ता, वे ऑफ वर्शिप, पूजा की विधि, पूजा का मार्ग। तो जब हम कोई आम यात्री हैं परमात्मा के मार्ग के, और जब तक हमें सुमार्ग नहीं मिलेगा, सच्चा रास्ता नहीं मिलेगा, तब तक हम अपनी यात्रा व्यर्थ कर रहे हैं और विपरीत दिशा में कर रहे हैं। और जब हमें ये पक्का निश्चय हो जाएगा कि जिधर हम जा रहे हैं ये वही मार्ग है जिधर हमने जाना चाहिए, फिर 10 कदम रखेंगे मंजिल की ओर होंगे।
और कुछ दिनों में चलते उठते बैठते हम भगवान अपने घर पहुंच जाएंगे, सतलोक पहुंच जाएंगे, अर्थात इस जन्म में या अगले जन्म में हम परमात्मा के पास पहुंच जाएंगे। वैसे तो हमने नेक्स्ट जीवन सपने में भी नहीं सोचना चाहिए कि हे भगवान फिर जन्म हो ना, ये दाता अभी पीछा छूटा इसी बूंदी बीमारी थे, तो उसके लिए हमने अभी दृढ़ कमर कस लेनी चाहिए और परमात्मा के ज्ञान को आधार मानना चाहिए। अपुण्यात्माओं, कौन परमात्मा कौन है, कैसा है, कहाँ रहता है, उसका वास्तविक नाम क्या है, उसके पाने की विधि, वो मंत्र क्या है, कौन है, ये निर्णय करना होगा। इस निर्णय को करके ही हम परमात्मा प्राप्ति कर सकेंगे। उसके लिए एक तो प्रथम आधार है शास्त्र। सबसे पहले हम शास्त्रों को, सदग्रंथों को आधार मानकर चलेंगे कि जिनके जिनमें ये लिखा हुआ है कि परमात्मा कबीर है, और वो वही कबीर है जो बनारस में आया था, और दूसरा ये है कि वो परमात्मा साकार है। अभी तक हमने प्रभु के विषय में निराकार सुना है, लेकिन परमात्मा साकार है। ये साकार का प्रमाण भी हमने बहुत बार दिखाना होगा आपको, तब हमारी जो रॉन्ग सिद्धांत, रॉन्ग थ्योरी थी, वो गलत सिद्धांत था कि भगवान निराकार है, सभी ने निराकार बता रखा है, वो तभी हमारे हृदय से हटेगी जब हम आँखों देखेंगे परमाणों को, और साथ में फिर आँखों जिन्होंने परमात्मा को देखा अर्थात साक्षात्कार किया, उन महापुरुषों के द्वारा दिए गए एफिडेविट अर्थात गवाही, उनके द्वारा लिखी गई अमृतवाणी, वो आपको सहयोग देंगी परमात्मा के पहचानने में। पुण्यात्माओं, परमात्मा का पाना कोई कठिन काम नहीं। सबसे आसान जो कार्य है वो परमात्मा प्राप्ति है। ये कठिन क्यों बन गया? ये कठिन इस काल भगवान ने बनवा दिया। इस काल भगवान को चिंता बनी रहती है कि कहीं इन प्राणियों को मूल मालिक का ज्ञान ना हो जावे, इनको कहीं परमात्मा का ज्ञान न हो जावे, ज्ञान हो जाएगा तो ये यहाँ से भागने की चेष्टा करेंगे। इसलिए इसने अपने नकली संत पंथ भेज के कर, नकली संत और पंथ चला के मानव समाज को शास्त्र विरुद्ध ज्ञान के ऊपर आरूढ़ कर दिया। अब परमेश्वर ने कहा था अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को कि धर्मदास तो ये लाख दुहाई, ये सार शब्द कहीं बार ना जाए, सार शब्द बार जो पढ़ी बिचली पीढ़ी हंस नीत रही, ये सार नाम तब तक छुपाई जब तक द्वादश पंथ ना मिट जाए। ऐसे ही मूल ज्ञान के विषय में बताया है कि मूल ज्ञान यानी वास्तविक ज्ञान जो अब आपके समक्ष रूबरू किया जा रहा है, सदग्रंथों को प्रत्यक्ष कराया जा रहा है, ये था, ये है मूल ज्ञान। परमेश्वर जी ने अपनी अमृतवाणी में, कबीर सागर में, अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को समझाया है, बताया है कबीर सागर, पवित्र कबीर सागर, जीव धर्म बोध, बोध सागर में प्रश्न नंबर 1937 पर धर्मदास तो लिखा है, धर्मदास तो लाख दुहाई सार शब्द कहीं बार ना जाई, और सार शब्द बार जो पढ़ी बिचली पीढ़ी हंस नीत रही। मूल ज्ञान के विषय में कबीर सागर, कबीर बानी नामक अध्याय बोध सागर में प्रश्न नंबर 134 से 138 तक लिखा है,
136-37 पर लिखा है कि धर्मदास तो लाख दुहाई और सार शब्द कहीं बार ना जाई, डबल दो बार लिखा है वो, सन 1837 पर भी ऐसा ही लिखा है, और यहाँ मैं यहाँ पर मूल ज्ञान के विषय में भी लिखा है, सार शब्द बार जो पढ़ी बिचली पेढ़ी हंस नितरही, 33 अरब ज्ञान हम भाखा और तत्व ज्ञान मूल ज्ञान गुप्त हम राखा। परमात्मा कहते हैं 33 अरब ज्ञान वाणी हमने बोल रखी है, परमात्मा अपनी ही महिमा की और तत्व ज्ञान के विषय में जानकारी, लेकिन ये तत्व ज्ञान हमने छुपा कर रखा है, मूल ज्ञान हमने गुप्त रखा है, और मूल ज्ञान तब तक छुपाई जब लग द्वादश पंथ न मिट जाई। अपने आत्माओं परमेश्वर कबीर जी ने अपनी महिमा आप ही बताई है, और काल के साथ परमेश्वर कबीर जी की एक झड़प हुई थी, जब परमात्मा सतलोक से आए और वहाँ खड़े हो गए थे जहाँ पर ये काल तपतशिला के ऊपर 1 लाख प्राणियों को नित भूनता है, जब ये काल वहाँ पर आया तो परमेश्वर अपने पुत्र जोगजीत का रूप धारण करके वहाँ खड़े थे। तब काल ने कहा कि जोगजीत तू यहाँ क्यों आया, यहाँ क्यों आयो, पुरुष वतन सो मोहे बतायो, यानी तू कोई परमात्मा पिता की भगवान की कोई आदेश लेकर आया है तो मुझे बता जल्दी। सतलोक से मार निकाला मोही और जोग जीत ना छोड़ू तो ही, कि तूने मुझे सतलोक से मार कर भगा दिया था, मैं तेरे सामने याचना कर रहा था और तूने मेरी एक नहीं मानी थी, मुझे वहाँ से 21 ब्रह्मंडों से सहित बाहर फेंक दिया था, आज तू मेरे लोक में किस लिए आ गया, मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं, पहले तो बता पिता का क्या आदेश है प्रभु का, उसके बाद मैं तुझे खत्म करूंगा। तो मैंने कहा, परमात्मा कहते हैं अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को कि मैंने उस काल से कहा कि मैं परमात्मा ने भेजा हूँ, भगवान ने अपने आप को छुपा कर कहा, यदि परमेश्वर यूँ कह दे कि मैं सत्य पुरुष हूँ तो धर्म ये काल का हार्ट अटैक हो जा, इतना डरता है भगवान से। अब क्या कहते हैं, गरीबदास साहेब जी ने परमात्मा के दर्शन करने के उपरांत कहा था, अपनी अमरवाणी में लिखा है कि काल ड्रै करतार से और जय 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 जगदीश, ये जोरा जोरा कहते हैं मौत को, और जोरा जोड़ी झाड़ता पग रद डार शीस। काल जो पीस है पीसना, काल जो पीस है पीसना परमात्मा का, और जोरा है पनिहार, ये दो असल मजदूर हैं मेरे कबीर भगवान के दरबार। ये काल तो कहते हैं वहाँ का नौकर है परमात्मा का, आटा पीसने वाला। तो यदि परमात्मा ये कह देते कि मैं अपना वही रूप दिखा देते तो इसका हार्ट अटैक हो जाए, तब मर जाइयो काल पागल हो गए। तो इसलिए प्रभु अपना हल्का रूप बना के, अपने रूप को सरल करके, और जोगजीत अपने ही पुत्र का स्वरूप बना करके प्रकट हुए। तब जोगजीत रूप में प्रभु ने कहा कि मैं परमात्मा ने भेजा हूँ, अपनी ही महिमा आप ही बता रहा है, और तूने ज्योत निरंजन तूने इन सभी आत्माओं को कितना दुखी कर रखा, कोई गधा बना दिया, कोई गधी बनाई, किसी की टांग कट गई, किसी का बेटा मार दिया, इनका ये स्वरूप था जब तू लेकर आया, कितना सुंदर शरीर था, नूरी शरीर था, कितनी अच्छी आत्मा थी, तूने अब कोई भेड़िया बना दिया, कोई शेर बना दिया, कोई सर्प एक दूसरे को खा रहे हैं, काट रहे, तूने मेरी इन आत्माओं का बहुत बुरा हाल कर रखा है, इसलिए परमेश्वर ने मुझे भेजा है, मैं नीचे जाऊँगा तेरे लोकों में, क्योंकि ये शिखर में
21वें ब्रह्मांड के शिखर में वहां बैठा है, वहीं से सतलोक आने जाने का एक वे है, रास्ता है, जिस पर यह स्वयं दृष्टि रखता है कि कोई इधर से निकल ना जा। तो वहां 21वें ब्रह्मांड के शिखर में यानी टॉप में वहां ये वार्ता हो रही थी। तो परमेश्वर ने कहा कि मैं नीचे जाऊंगा और सभी प्राणियों को तेरा बांडा, तेरी जो है ना पोल खोलूंगा, सबको ज्ञान बताऊंगा, तू काल है और सबको खाता है, तू भगवान नहीं है। इस बात को सुनकर ज्योति निरंजन ये काल एकदम भयंकर हो गया, उग्र रूप धारण कर लिया। कहने लगा, जोग जीत तेने खत्म कर दूंगा तुझे, तू मेरी फसल उजाड़ने जा रहा है, तेरा नाश कर दूंगा, अभी देखता हूं। ऐसे करके झपट्या काल परमात्मा के ऊपर। अब कबीर साहब हमें शिक्षा देना चाहते हैं, धर्मदास जी को कह रहे हैं, धर्मदास के माध्यम से हमें आपत्ति के समय हमने कौन सा हथियार प्रयोग करना चाहिए, वो बता रहे हैं कि धर्मदास, जब काल मेरे ऊपर अटैक किया, काल ने आक्रमण किया, तो मैंने सतनाम का जाप का सुमरण श्वास से शुरू कर दिया। तो ऐसी वो एकदम ऐसी स्थिति होगी उस काल की, जैसे पक्षी की पंख कट जाती हैं और जमीन पर गिर जाता है, तड़पता होता है, उड़ नहीं सकता। मेरे सिमरन से, सतनाम के सिमरन से, श्वास से जो सुमरण किया, तो वो एकदम काल जमीन पर गिर गया और फिर भयभीत होकर के नीचे जाकर के वो पाताल लोक में जाके गिर गया। फिर वहाँ से मैं वहीं गया, फिर इसको वहाँ से उठाया, इसने मेरे पैर पकड़ लिए, छोड़े नहीं। काल ने देख लिया कि जोगजीत के पास कोई विशेष शक्तिशाली मंत्र है, इस पर तेरा जोर नहीं चल सकता। तो कहते हैं काल ने फिर चापलूसी का मार्ग अपनाया, पैर पकड़ दिए, छोड़े नहीं, और कहा, आप मेरे बड़े भाई, मैं आपका छोटा भाई, बड़े क्योंकि जोगजीत बड़े हैं, ये काल सबसे छोटा है, ये 70वां पुत्र है, अंडे से उत्पन्न हुआ था, परमेश्वर की वचन है सतलोक में। तो काल ने कहा कि आप मेरे बड़े भाई, मैं आपका छोटा भाई, मैं तो आपको परमात्मा पिता के समान मानता हूँ, क्योंकि आप उन्हीं का शब्द शक्ति लेकर आए हो, मुझे अक्षमा कर दो, मुझे माफ़ कर दो। परमात्मा बोले, भाई ठीक है, माफ़ कर दिया। फिर क्या कहा कि मुझे मेरे राज्य में कुछ त्रुटि है, उसकी कुछ कमी पूरी कर दो। परमात्मा जोगजीत रूप में बोले, बोल भाई क्या मांगता है, ऐसा नहीं प्रभु, वचनबद्ध हो जाओ। परमेश्वर कबीर देव जी जोगजीत रूप में बोले कि भाई ठीक है, मैं वचनबद्ध होता हूँ, अब मांग क्या मांगता है। तब इसने क्या मांगा कि हे भगवान, आप नीचे जाओगे और वहाँ क्या करोगे। परमात्मा ने कहा कि मैं अपना सच्चा नाम देकर, यथार्थ भक्ति मार्ग दे करके, सभी आत्माओं को अपना ज्ञान समझा करके और सतलोक लेकर जाऊंगा, उनको विधि बताऊंगा और परमात्मा के विषय में जानकारी दूंगा। तो कहने लगा, हे भगवान, आप ऐसे करना, 3 युगों में जीव कम ले जाना और चौथा युग जब कलयुग आवे तब तो शरण जीव बहु जावे, ऐसा वचन हर मोय दीजे, तब तुम गवन संसार ही कीजे, ऐसा वचन मुझे दे दो कि 3 युगों में जीव कम ले जाओगे और चौथे युग में जब कलयुग आवे आप कितने ही जीव ले जाना। परमात्मा बोले, तथास्तु, जो तूने मांगा मैंने दे दिया। अब काल फिर एकदम त्योर बदल गया, कहने लगा, जोगजीत, जब आप कलयुग में आओगे और ज्ञान समझाने के लिए, भक्ति के मार्ग बताने के लिए, परमात्मा के बारे में जानकारी देने के लिए, उससे पहले मैं पूरे मानव समाज को अज्ञान से परिपूर्ण कर दूंगा
उनको देवी देवताओं की पत्थर पानी की पूजाओं पर आश्रित कर दूंगा। ब्रह्मा विष्णु महेश तक उनकी बुद्धि टिक जाएगी और तुम बताओगे कि इनसे ऊपर कोई परमात्मा है। कोई भी प्राणी तुम्हारे ज्ञान को नहीं मानेगा। तुम्हारा मेरी ओढ़ होकर मेरी मेरे पक्ष में होकर के तेरे साथ तुम्हारे साथ विरोध करेंगे। मैं ऐसे रंग में रंग दूंगा, रंगवा दूंगा सारी जनता को। और फिर खूब हंसा, गंदी हंसी जैसे खलनायक हंसा करते हैं। अगदा बेसिक जोग जीत क्या बोला के द्वादश पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। द्वादश पंथ नाम जो ले ही सो हमरे मुख आन समोही। प्रथम वंश पंथ प्रथम अंश हमारे जाई, पीछे वंश तुम्हारा आई। क्या कहता है कि जब तक तुम जाओगे या तुम्हारा कोई भेजा हुआ कोई प्रचारक कोई संत आएगा, उससे पहले मैं अपने सारे नकली दूत संदेशवाहक भेज गए और कबीर कबीर पंथ कबीर पंथ कबीर पंथ के 12 पंथ चला दूंगा और भी अनेक पंथ चलाऊंगा और ऐसे दर्द फंदे में सबको फंसाऊंगा और तुम कुछ नहीं कर सकोगे और चले जाना नीचे संसार में। अब परमात्मा ने पता था कि ये नकली यहीं तक इतनी बुद्धि सीमित है इनकी। परमात्मा परमात्मा ही है, वो जो चाहे कर सकता है। जब वो एक भैंसे जोटे तो वत्स वेद की वाणी बुलवा सकता है तो मनुष्य तो बोली पहले से ही बोल सकते हैं, तो वो समर्थ सकती है। तो परमात्मा ने को मालूम था कि जब हम हमारा वंश हमारा भक्त मेरा भेजा हुआ कोई संदेशवाहक मेरा संत तत्वदर्शी जब कलयुग में सेकंड टाइम जाओगा, यानी प्रथम चरण तो परमात्मा जब आए थे सन 1398 से सन 1518 तक 120 वर्ष रहे थे, वो तो पहली पीढ़ी है, वो प्रथम चरण है। और उस प्रथम चरण में जब भगवान आए थे जब वाणी लिखवाई थी, कहते हैं 33 अरब ज्ञान हम बाख्या और मूल ज्ञान गुप्त ही राख्या। ये अभी तक ये मूल ज्ञान किसी तक नहीं पहुंचने दिया, लिख सारा रखा है पर किसी की बुद्धि में चढ़ने नहीं दिया। ये कबीर पंथियों को नहीं मालूम ये कौन सी भक्ति मार्ग, जो 12 कबीर पंथ हैं उनको भी यथार्थ भक्ति मार्ग और यथार्थ ज्ञान का बिल्कुल ज्ञान नहीं। अपुण्यात्माओं या और एक समस्या आ गई मेरे सामने कि मैं जब ये दास ये कहता है कि कबीर पंथियों को ज्ञान नहीं, तो फिर ये सोचते हैं भी कमाल की बात है 600 वर्ष हो गए कबीर साहब के इस पंथ में लगे हुए जुड़े हुए उन अनुयायियों को संतों को, क्या उनको ज्ञान नहीं तो रामपाल को ज्ञान हो गया। ये बात समझ में आवे नहीं। पुण्यात्माओं ये ज्ञान किसी का नौकर नहीं है, ये तो गॉड गिवन है। सतगुर नाल वड़ियाइयां जिन चाहे तिन दे, परमेश्वर के हाथ में वड़ियाई है, उसके हाथ में है ये महिमा, जिसको चाहे उसको दे दे। एक झोटे को वो वेद ज्ञाता बना सकता है, इस दास में तो कम से कम जबान तो दे रखी थी भगवान ने, मनुष्य शरीर भी तो दे रखा मालिक ने, तो इसमें ज्ञान दे दिया। तो कहने का भाव ये है कि ये बात कहना कि कबीर पंथ में किसी के पास ज्ञान नहीं है और वो पंथ सब काल तक सीमित है, तो ये भी एक सिर फुड़वाने वाली बात है। सब नाराज हो जाएं, कबीरपंथी भी लाठी ठा लें, अकेले भाई सब कबीरपंथियों को ऐसा कह रहा, दास नहीं कह रहा, कबीर परमात्मा कह रहे। अब वो सिद्ध करेगा ये दास कि कबीर भगवान कबीर परमेश्वर 600 वर्ष पहले लिखवा के गए थे अपनी उस अमृतवाणी में कि ये 12 पंथ काल ने चलवाए मेरे नाम तय, और ये 12 के 12 काल के पंथ हैं, इनमें कोई जीव पार नहीं हो सकता। हाँ यदि मेरे संत जो मैं भेजूंगा 12वें पंथ गरीबदास पंथ है जो सुडानी में गरीबदास साहेब जी आए हैं, तो 12वां पंथ गरीबदास पंथ है
और लिखा है कि बर में पंथ हम ही चलावे और सब पंथ मिटा के एक पंथ चलाओ। बर मा पंथ जो होगा वो गरीबदास पंथ है और उस पंथ में आगे चल के हम आएंगे गरीबदास वाले पंथ में और सभी पंथों को समाप्त कर देंगे और एक ही पंथ चलाएंगे। अब जैसे जिनको भगवान चाहिए, अब जैसे बहुत सी पुण्यात्मा जो कबीर पंथ से जुड़ी थी, ठीक अनजानपने में वहाँ लगे हुए थे, वो चाह तो भगवान की है, अब उनको ये पता लग गया है पुण्यात्माओं को कि ये हमारा रास्ता गलत था, तो एकदम वापस होगी। जिनको भगवान चाहिए है, जिन्होंने अपने घर जाना है और कोई रास्ते में ये कह रहा है कि ये मार्ग ठीक नहीं तुम्हारा, आप वापस आओ लो और ये मार्ग सही है, तो उसका निर्णय कर ले और उस कुमार्ग को तुरंत त्याग दे, वो व्यक्ति बुद्धिमान होता है। तो ऐसे बहुत से प्राणी हैं जो कबीर पंथ से जुड़े हुए थे, अब तुरंत इस सतमार्ग को समझ रहे हैं और परमात्मा कबीर जी के चरणों में आ रहे हैं। तो ये एक शुरुआत होगी इन सभी पंथों को समाप्त करने की। यहाँ पर काफ़ी संख्या में राधा स्वामी पंथ से भी भक्तजन आए हैं जो थोड़ी सी बुद्धि रखते हैं, उन्होंने इस ज्ञान को देखा, दास के द्वारा दिया गया विवेचन कैसेटों में, सीडीज में, डीवीडी में, पुस्तकों के माध्यम से उन्होंने इसको रह रह कर देखा और सुना और पढ़ा, अब वो उन पंथों को छोड़कर आ रहे हैं। ऐसे ही दूसरे पंथों से, धन धन सतगुरु से, बाल योगेश्वर जी से, कोई से जय गुरुदेव वाले थे कि तो ठाकर जी वाले थे, यानी सब वापस आ रहे हैं। और जो हिंदू जो देवी देवताओं तक सीमित थे वो और शीघ्र आ रहे हैं, क्योंकि वो अपने पुराणों को श्रेष्ठ मानते हैं और पुराणों में लिखा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान है। अभी तक हमने यही सुना था कि ब्रह्मा विष्णु महेश के कोई माता पिता नहीं है, तो पुराणों में इनकी पूरी जीवनी लिखी है कि इनकी माता तो दुर्गा है और पिता ये ज्योति निरंजन काल है जो 21 ब्रह्मंड का स्वामी है। तो ये देवी देवताओं के पूजने वाले तो और शीघ्र आ रहे हैं और कबीर पंथ को मानने वाले भी अति शीघ्र आ रहे हैं, जो पुण्यात्मा है जिन्हें भगवान चाहिए और जिनने भगवान से कोई लेना देना नहीं, सूखे प्रभु बने बैठे हैं, संत महंत बन गए, वो आप भी नरक में जाएंगे, इन भोली आत्माओं के जीवन बर्बाद करके अपना महाअपराधी भगवान के दरबार में होंगे। आज से 650 वर्ष पहले, यानी परमात्मा ने जब ये 600 वर्ष पहले प्रकट हुए, फिर बीच में ये वाणी धर्मदास जी से लिखवाई, उस समय परमात्मा ने लिखा है अपने कबीर सागर में वो आपके रूबरू कराते हैं। ये देखिएगा पवित्र कबीर सागर, कबीर सागर संपूर्ण 11 भाग, ये खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन बंबई से प्रकाशित है। ये हम यहां से इसको खरीद कर लाए हैं। DPB पब्लिकेशंस, 1104 चावड़ी बाजार, नई दिल्ली, चावड़ी बाजार चौक, बड़ साहबुल्ला दिल्ली 6। अब इसका कौन है इसके आगे देखिएगा, कबीर सागर यहाँ देखिएगा, मुद्रक एवं प्रकाशक हैं खेमरा श्री कृष्ण दास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्ण दास मार्ग बम्बई। अब इसके कबीर चरित्र बोध में 1870 पृष्ठ पे, ये है बोध सागर प्रश्न नंबर 1870 और ये है कबीर चरित्र बोध। अब यहां देखिएगा
1870 पृष्ठ पे यहां लोग तो चार गुरु और 42 वंश का लेखा लग चुका है। इनके अतिरिक्त कबीर साहब के 12 पंथ और भी कबीर पंथ ही कहलाए हैं। अब देखिएगा, कबीर साहब के पंथों का वृतांत, नंबर एक है नारायण दास जी का पंथ। अब ये इन्होंने मिलावट की है, जिन्होंने छपवाया है, किसने छपवाया है, ये दामा खेड़ा वालों ने। अब इसमें यहाँ चूड़ामणि जी आते हैं प्रथम कबीर पंथ में, क्योंकि इसका आपको प्रमाण आगे देंगे। पहले ये देख लीजिए, नंबर एक इन्होंने नारायण दास पंथ लिखा, दूसरा यागव दास जी का पंथ, सूरत गोपाल पंथ, मूल निरंजन का पंथ, टकसारी पंथ, भगवान दास जी का पंथ, सतनामी पंथ और कमाली पंथ। ये कमाली नहीं, कमाली है, कमाल का एक कमाल जो लड़का जीवित किया था, वो बाद में गुरुद्रोही बन गया था, अलग से पंथ बनाया था, कमालीय पंथ, राम कबीर पंथ। ये राम कबीर पंथ ये भी नकली पंथों में से है, और प्रेम धाम परम धाम की वाणी पंथ, जीवा पंथ और गरीबदास पंथ। ये गरीबदास पंथ 12वां पंथ है, ये देख लिया पर। अब इससे आगे देखिएगा, कबीर वाणी और प्रश्न नंबर 136 पर देखिएगा, यह है कबीर वाणी बोध सागर, बोध सागर कबीर वाणी, कबीर वाणी और प्रश्न नंबर 136 पर यहाँ लिखा है, द्वादश पंथ चलो सो भेद, ये कबीर जी की वाणी है। इसमें क्या लिखा है, द्वादश पंथ काल फुरमाना, इन 12 पंथों में काल का ही फुरमान यानी आदेश उपदेश है, भूले जीव न जाए ठिकाना, इन 12 पंथों में कोई भी सतलोक नहीं जा पाएगा, भूले जीव न जाए ठिकाना न पावे ठिकाना। द्वादश पंथ काल फुरमाना, भूले जीव न जाए ठिकाना, यानी वो सतलोक नहीं जा पाओगे इन 12 पंथों वाले। ताते आगम कह हम राखा, कही हम राखा, वंश हमारा चूड़ामणि साखा। यानी चूड़ामणि जो है ये प्रथम बनता है, प्रथम। यहाँ से देखिएगा, इन्होंने यहाँ प्रथम को छोड़कर प्रथम इस जागू पंथ को बना दिया प्रथम, जबकि यहाँ देखिएगा जागू पंथ दूसरा है। ये कबीर बोध सागर ना, कबीर बोध सागर, कबीर चरित्र बोध पर 1870 पृष्ठ पे नारायण दास का प्रथम पंथ, दूसरा योग यागुदास जी का पंथ, यागुदास, और यहाँ प्रथम इन्होंने यहाँ प्रथम पंथ ये जागु चाहे कहो यागु कहो, ये प्रथम पंथ जागू, प्रथम जग में जागू वर्मा वह प्रथम पंथ जागू दास का कर दिया, जबकि ये यहाँ देखिए ये यागू दास का दूसरा पंथ है, ये दूसरा पंथ, और तीसरा सूरत गोपाल, चौथा मूल निरंजन वाणी। अब ये यही है सारे के सारे, प्रथम जग में जागू भरमावे बिना भेद सो वो ग्रंथ चुरावे, दूसरा सूरत गोपाल होई, इसमें तीसरा सूरत गोपाल है, ये देखो ये तीसरा सूरत गोपाल, चौथा मूल निरंजन, क्योंकि इन्होंने प्रथम यहां गलत लिख दिया, यहां दूसरा होना चाहिए था, प्रथम नारायण दास, ये चूड़ामणि है, नारायण दास नहीं है, और दूसरा सूरत गोपाल होई, अक्सर जो आगे दृढ़ावे सोई, तीसरा मूल निरंजन वाणी, उसमें चौथा मूल निरंजन है, लोकविद की निर्णय ठानी, इस तरह ये चौथा पंच टकसार भेद ले आवे, नीर पवन को संद बतावे, सो ब्रह्म अभिमानी जानी, सो बहु जीवन की कर है हानि, बहुत नुकसान करेगा, और पांचवा पंथ, ये छठा पंथ है वैसे, बीज को लेखा। यहाँ पर देखो
छठा भगवान दास का पंथ है और इन्होंने पांचवा टकसार भेद लिखा है। छठा पंथ बीज को लिखा, यहां छठा लिखा, ये सातवां होना चाहिए सतनामी प्रकाशा। कहने का भाव ये है कि यहां जो सीधे लिखे हैं, ये देखिएगा, यहां जो सीधे लिखे हैं कबीर चरित्रबोध में, ये सीधे लिखे हैं, यहां आप चूड़ामणि समझ लेना। दूसरा यज्ञोदास जी का पंथ, तीसरा सूरत गोपाल, सूरत गोपाल का पंथ, चौथा मूल निरंजन पंथ, पांचवा टकसारी पंथ, छठा भगवान दास जी का पंथ और सातवां सतनामी पंथ और आठवां कमालीय पंथ, नौवां राम कबीर पंथ और दसवां परम धाम की वाणी, प्रेम धाम की वाणी, और ग्यारहवां जीवा पंथ और बारहवां गरीबदास पंथ। सीधा लिखा। अब यहां वाणी में बोला है प्रभु ने, यहां वाणी में बोला है प्रभु ने, देखिएगा, यह है कबीर वाणी बोध सागर प्रश्न नंबर 136 पे, और यहां द्वादश पंथ चलोसो भेद। द्वादश पंथ काल फुरमाना, भूले जीव न जावे ठिकाना, ताते आगम कह हम राखा, वंश हमारा चूड़ामणि शाखा। प्रथम जागू जग में भरमाव, यहां द्वितीय होना चाहिए था, द्वितीय जग में जागू भरमावे, बिना पंथ सो ग्रंथ सुरावे। ये सूरत गोपाल पंथ, मूल निरंजन पंथ, टकसार पंथ और ये छठा जो है, ये जीव पांच छठा है वो ब्रह्म पंथ, इसमें लिखा जो इन सातवां लिखा है ये छठा है, भगवान दास का पंथ है ये छठा, भगवान ये सातवां जो है ये छठा भगवान दास का पंथ है, सातवां ये सतनामी पर पंथ है और फिर जीवा पंथ है, इसमें भी जीवा पंथ वही लिखे हैं, सतनामी पंथ, कमालीय पंथ, राम कबीर पंथ, जीवा पंथ, परम धाम की वाणी पंथ, गरीबदास पंथ, ये जो के तू हैं। आठवें राम कबीर कहावे, राम कबीर पंथ, ये भी नकली पंथों में राम कबीर, और सतगुर भ्रम ले जीव दर डावे। नौवें ज्ञान की कला काल दिखावे, वही प्रतीत जीव सुख पावे, ये दसवां है। ग्यारहवां है, ये दसवां लिखा उन्होंने, परम धाम की वाणी, ये भी एक पंथ है। तो बारहवां पंथ यहाँ से प्रारंभ होता है, ये बारहवां पंथ गरीबदास पंथ। संवत 1775 हुई, ये मिस प्रिंट है, ये 1774 होना चाहिए, क्योंकि गरीबदास जी का जन्म वैसाख पूर्णमासी की पूर्णमासी को संवत 1774 में गरीबदास जी का जन्म हुआ था। अब यहां देखिएगा, संवत 1775 हुई, ये गरीबदास जी से संबंधित है, और तादिन प्रेम प्रगटे जग सोई, बोध कबीर वाणी है बोध सागर 137 पृष्ठ पर पढ़ रहा हूँ, पहले 136 पे आपको पढ़ के सुनाया। आज्ञा रहे ब्रह्म बोध लावे, कोली चमार सबके घर खावे, साख हमारी ले जीव समझावे, असंग जन्म ठोर ना पावे, बर में पंथ प्रगट है वाणी, और शब्द हमारे की निर्णय ठानी। अब बर में पंथ, बर्मा पंथ कौन सा है, गरीबदास पंथ में। अब ये बारहवां पंथ है, ये गरीबदास का पंथ है, इसमें क्या लिखा है कि बारहवें पंथ प्रगट है वाणी, हवे प्रगट हुआ वाणी और शब्द हमारे की निर्णय ठानी, अस्थिर अह सथाई घर स्थिर सतलोक में, अस्थिर घर का मर्म न पावे, ये बारह पंथ हमी को धावे। अह ये बारह पंथ सतलोक नहीं जा सकते, और ये बारह के बारह पंथ कबीर कबीर ही करते हैं। बारहवें पंथ हम ही चल आवे, बारहवें यानी गरीबदास वाले पंथ में हम ही चलकर आवेंगे, और सब पंथ मिटा मिट एक ही पंथ चलावे, तब लग बोधो कुरी चमारा, फिर तुम बोधो राज दरबारा, प्रथम चरण कलयुग निर्याना। अब यह भी प्रगट कर स्पष्ट कर दिया
कि प्रथम जो पीढ़ी है ये भी स्पष्ट कर दिया कि प्रथम चरण यानी प्रथम पीढ़ी कलयुग निर्याना, कलयुग की प्रथम चरण में प्रथम पीढ़ी में तब मघर मांडो मैदाना, यानी प्रथम पीढ़ी वह है जब परमात्मा मघर से सह शरीर सतलोक चले गए 120 वर्ष अपना ज्ञान प्रचार करके। आगे देखो इसी 137 पृष्ठ पे धर्मदास मोरी लाख दोहाई, ये मूल शब्द है, गलती से भूल लिखा है, नहीं मूल शब्द यानी सार शब्द, बार जिन पर न जाई, बाहर न बार न जाई, ये बरनी बार, पवित्र ज्ञान तुम जग में भाखो, मेरी महिमा करते रहो धर्मदास, और मूल ज्ञान गोई तुम राखो, जो तत्व ज्ञान है इसको अभी गुप्त रखना बताना नहीं है, किसी के पास नहीं जाना चाहिए, मूल ज्ञान जो बाहर पर ही, और बिचली पीढ़ी वंश हंस नहीं तरही, 33 अरब ज्ञान हम भाखा, मूल ज्ञान ये तत्व ज्ञान गोए हम राखा, गुप्त रखा, मूल ज्ञान तुम तब लग छपाई छुपाई, जब लग द्वादश पंथ मिट जाई। अब कितना क्लियर कर दिया, अब इसमें क्या बताया है कि संवत 1775 होई, तादिन प्रेम प्रगटे जग सोई, ये बर्मा पंथ है कबीर गरीबदास साहिब जी का, जो इनका जन्म 1774 में संवत में हुआ था, और इसमें क्या लिखा आगे परमात्मा ने कि बर्म पंथ प्रगट हुआ वाणी, मेरी महिमा की वाणी आँखों देखी, गरीबदास जी द्वारा प्रगट की जाएगी और मेरे प्रति पुनः फिर प्रेम जागृत होगा, बर में पंथ प्रगट हो वाणी और शब्द हमारे की निर्णय ठानी, गरीबदास जी पंथ में, इस दास का सबसे पहले गरीबदास पंथ में उत्थान हुआ, क्योंकि मेरे पूज्य गुरुदेव स्वामी रामदेवानंद जी महाराज गरीबदासीय पंथ से संबंधित थे और दास का उनसे संपर्क हुआ, उपदेश बन लिया गुरुदेव से, फिर उन गरीबदास जी के संतों गुरुओं द्वारा जो ज्ञान था वो दास को पता चला, वो पूर्ण रूप से गरीबदास जी की वाणी के ही विपरीत निर्णय अपना निर्णय लेकर के दुनिया को प्रचार कर रहे हैं। अब ये कबीर सागर को दास ने अभी बहुत बाद में देखा है, परमात्मा ने रजा बख्शी है ये दास को कि ये है वो मेरा मूल ज्ञान, कबीर सागर में तो अभी देखा है, लेकिन वो गरीबदास जी वाले क्या ज्ञान देते थे उनका दास को खूब अच्छी तरह अनुभव है, ना उनके पास कोई नाम है ना उनके पास कोई ज्ञान है, और वो भी उसमें भी गुरुओं का कोई अंत नहीं, ना जाने कितने संत बने फिरे हैं और गलत ज्ञान प्रचार करे, तो उसके बारे में क्या बताया है, बर्मा पंथ प्रगट हो बाणी, शब्द हमारे की निर्णय ठानी, अस्थिर घर का मर्म न पावे है, ये बारा पंथ हम ही को जावे, उस सतलोक को नहीं जा सकते ये बारह पंथा के प्राणी, और मुझे ही ये कबीर कबीर कह करके ये सभी अपनी साधना मेरी ही आड़ में जनता को अपने पीछे लगाए हुए हैं, लेकिन ये सतलोक नहीं जा सकते, बर में पंथ हम ही चलावें, परमात्मा कहते हम ही चलकर आएंगे और सब पंथों को मिटाकर एक ही पंथ चलाएंगे। फिर क्या बताया कि प्रथम चरण कलयुग निर्याना और तब मघर मांडो मैदाना, प्रथम चरण वो होगा, प्रथम पीढ़ी वो होगी जब मैं मघर से सह शरीर जाऊंगा, और बिचली पीढ़ी अब आगी, तीन तीन बताई है, बिचली का अर्थ है कि तीन ही पार्ट में परमात्मा ने कलयुग को विभाजित किया है तीन भागों में, प्रथम फिर बिचली कहा तो अब बिचली और फिर लास्ट वाली, तीन ही हुई, तो प्रथम तो चरण वो होगा जो परमात्मा चले गए कबीर जी सह शरीर मघर से 120 वर्ष तक अपनी भूमिका, एक जुलाहे की
एक सच्चे भक्त की, दास की और तत्वदर्शी संत की भूमिका करके वो चले गए। और अब पिछली पीढ़ी अप्रारंभ हुई सन 1947 के बाद, भारत आज़ाद हुआ सन 1947 में, उसके बाद शिक्षा का सत्र एकदम दावानल की तरह परमात्मा की कृपा से एकदम फैल गया पूरे भारतवर्ष में, बूढ़े और बच्चे सारे शिक्षित हो गए। तो अब इस बिचली पीढ़ी में परमात्मा ने कहा था हम चल कर आएंगे, अब परमात्मा ना आए तो दास भेज दिया, अब शक्ति कबीर जी की काम करेगी, पर वो करेगी किसके माध्यम से, जो उसका गुड कंडक्टर होगा। गुड कंडक्टर कहते हैं जिसमें से बिजली की शक्ति तार में क्या अच्छी तरह आ जावे निर्बाध, तो वो अच्छा जो तार हो उसमें क्या बिजली आती है, शक्ति आती है, पावर आती है। तो दास को भेज दिया आप जी को अपना ज्ञान और अपनी महिमा से परिचित कराने के लिए।